देखो बहुत बड़ी बात कर रहे हो आप यहाँ भाई। हरियाणा सरकार गिर गई, क्यों कर गिर गई जी बताओ, किस चीज का गठबंधन टूट गया? चार सीटें भी आई हैं तो बहुत बड़ी बातें हैं। दल होगी, गुट होगी, आप लोगों में तो टूटन है, दलदल भी तो रही है। चाहे हमारे सुरजेवाला हो, चाहे हमारे शैलजा जी हो, कथनी करने में तो अंतर हो जाता ना जितेंद्र जी, हाउ इट इज पॉसिबल? क्योंकि बीजेपी सरकार ने दिया कुछ नहीं है सिवाय छीनने के। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मू की राम राम। फिलहाल गुरुग्राम तक मैं लाइव जुड़ गया हूँ। हरियाणा सरकार गिर गई के गठबंधन टूट गया के एक नेताजी हैं जिनने दावा कर दिया है, उस दावे में कितना दम है? फिलहाल मैं कैमरा रोल करवाऊंगा मोहित पे, जो कि विपर फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हैं और इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं जितेंद्र भारद्वाज जी। राम राम माधव जी। राम राम जी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा के। तो बताओ जी, देखो बहुत बड़ी बात कर रहे हो आप यहाँ भाई। हरियाणा सरकार गिर गई, क्यों कर गिर गई जी बताओ? मैं सरकार गिर गई ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सरकार जो हमारी हरियाणा की जनता है उनकी नजरों में गिर गई। अच्छा, जो आज व्यवस्था है उस व्यवस्था में, जो बाढ़ में चारों तरफ तबाही मची हुई है, जो अव्यवस्था का माहौल है, जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, जो युवाओं को नौकरी नहीं है, जो बेरोजगारी का आलम है प्रदेश का, आपने पीछे आंकड़ा आया है वो बीजेपी की सरकार ने दिया है, उस आंकड़े में हम हरियाणा जो है सबसे ज्यादा आगे है बेरोजगारी में, तो लोगों की नजरों में गिर गई ये बात मैं कह रहा हूँ। अच्छा, वो आप मीडिया है, मीडिया आप किसी भी तरीके से बड़ा चढ़ा के बात को कर, भाई सबसे ज्यादा सबसे तेज वो वाली बात है। अच्छा जितेंद्र जी, ये और बताओ, टूटने वाली बात करते हैं, गठबंधन टूट गया, किस चीज का गठबंधन टूट गया? गठबंधन वही वाली बात है, जिस तरह से सरकार गिरने की बात है उसी तरीके से जनता के साथ इनका गठबंधन टूट चुका है। जो जनता ने इनको भाव से पहली बार इनको दी ज्यादा सीटें, उसके बाद ये 40 पे आके अटक गए, आज वो गठबंधन जो है 4 पे रह गया इनका। चार सीटें भी आ जाए तो बहुत बड़ी बातें हैं, मतलब वो मैं कहूंगा कि इनके लिए बहुत बड़ा ग्रेस है जनता की तरफ, जनता के साथ गठबंधन टूट चुका है। जितेंद्र जी, आपने टूटने की बात करी, आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हो, तो उस नाते आप लोगों को नहीं पता, जैसे मैं कई बार कह रहा हूँ, दल होगी, गुट होगी, आप लोगों में भी तो टूटन है, दलदल भी तो रही है, गुटम गुट भी तो रही है। नहीं, हम लोग तो देखो हमारे यहाँ तो हमारी कांग्रेस पार्टी का तो कल्चर है, हमारे केवल एक ही नेता है, वो है राहुल गांधी। हम सब राहुल गांधी के नेतृत्व में और खड़गे जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, बाकी हम सभी कार्यकर्ता हैं, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे हमारे सुरजेवाला हो, चाहे हमारे शैलजा जी हो, जो भी नेता हो, बाकी हम सब कार्यकर्ता हैं। नेता हमारी कांग्रेस पार्टी में केवल एक है, राहुल गांधी, वो हमारे नेता हैं, खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी नीतियों को प्रचार प्रसार अपने अपने तरीके से हर आदमी हर जगह कर रहा है। जितेंद्र जी, ब्राह्मण संसद में आप गए, वाह आपने काफी लूटी, रुका पुकार भी हुई, आपके नारे भी लगे, सारी बात हुई, और आप ऐसे घोषणा कराए जैसे कोई घोषणा पत्र में आप दावा करके आगे साइन करके अगर यहाँ ये चीजें हम लागू करेंगे, चाहे EWS की बात हो या फिर हो ब्राह्मण आयोग की, कथनी करने में तो अंतर हो जाता ना जितेंद्र जी, हाउ इट इज पॉसिबल? देखो ब्राह्मण संसद में मैं जब गया तो वहां मुझे एक ब्राह्मण होने के, वहाँ पार्टी की वजह से नहीं बुलाया गया, वहाँ पार्टी का प्रतिनिधि बुला हो करके मुझे पार्टी का विजन रखना था ब्राह्मणों के प्रति, मेरे समाज की डिमांडें थी, मैं लोगों से चर्चा करके गया था, जो अपने साथी थे उनसे चर्चा करके गया था, मैंने उनसे पूछा था कि क्या ऐसी डिमांडें हैं जो काफी समय से समाज की, क्योंकि देखो आज मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, बचपन से मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, मेरे दादाजी 1942 से कांग्रेस में एक्टिव थे, उन्होंने कभी भी कोई इस तरह का, मतलब 3 साल अध्यक्ष रहे वो, मैं भी लगातार ब्लॉक अध्यक्ष से लेके और आज यहाँ तक पार्टी ने मुझे सम्मान दिया है, तो लेकिन किस वजह से दिया है? पार्टी हर व्यक्ति को समाज की वजह से कोटा देती है, मुझे भी एक ब्राह्मण का बच्चा होने की वजह से कोटा मिला है, तो मेरा फर्ज है जब, क्योंकि मैं संसद में जा रहा हूँ, अगर मैं मान लो विधानसभा हमारी नॉर्मल में हूँ, वो तो मैं सदस्य हूँ नहीं, तो मुझे एक ब्राह्मण समाज की संसद में जाने का मौका मिला है, तो मुझे ब्राह्मण समाज के प्रति हमारी पार्टी का क्या रवैया है, क्या हम उनको आगे देंगे? हर समाज को देते हैं, हम तो 36 बिरादरी की पार्टी है, हम कोई खाली एक बिरादरी की पार्टी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो ब्राह्मण संसद थी तो उसमें कांग्रेस का क्या हमारा आगे के लिए फ्यूचर भविष्य है और क्या हम कर चुके वो बताया हमने, और फिर मैंने वहां पे घोषणा नहीं करी,
मैंने बार बार रिपीट किया कि मैं कांग्रेस का बाबू हूँ, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ, ना मैंने प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते घोषणा की। मैं अपने नेता प्रतिपक्ष, अपने पार्टी के अध्यक्ष, उनको उनकी जानकारी में ढाल के, उनको बता के और उनसे पूछ करके, इजाजत लेकर के मैंने वहां ये बातें कही। मेरे नेता ने जब ये बात कह दी, हालांकि सारी मांगे मेरे नेता द्वारा घोषित की हुई है और जब वो सीएम थे उन्होंने पूरी की हुई थी, क्योंकि बीजेपी सरकार ने दिया कुछ नहीं है सिवाय छीनने के। आपसे रोजगार छीन लिया, आपसे पैसे छीन लिए, कहते थे ना टैक्स होगा ना टैक्स वाला होगा, आज आपकी जेब में कुछ छोड़ा ही नहीं। आज इनकम के नाम पे हम जीरो हो गए और निवेश के नाम पे हरियाणा जीरो हो गया, हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में नंबर वन था वो जीरो हो गया। मतलब कहीं पर इन्होंने हमें हरियाणा को, हरियाणा वालों को क्या, देशवासियों को कहीं ना ऊपर की सरकार ने ना नीचे की सरकार ने किसी लायक नहीं छोड़ा। तो मैंने तो केवल वहां अपना विजन रखा और वहां सामने मूलचंद शर्मा जी सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे बैठे हुए थे, उनसे मैंने अपनी डिमांडे रखी थी और मैंने डिमांड रखी थी कि अगर आप पूरा कर दोगे तो हम सब समाज के जो व्यक्ति हैं, क्योंकि उस समय मैं समाज के नाते बोल रहा था और पार्टी का अपना वो रख रहा था आगे के भविष्य की योजनाएं, अगर आप पूरा कर दोगे तो आपको धन्यवाद करेंगे, वरना तो हमारी सरकार आएगी। तो हमारे नेता ने हां कर दी है, हम ये डिमांड पूरी करेंगे। मतलब जितेंद्र जी एक तीर से दो निशाने कर रहे थे, साथ साथ में पार्टी का एजेंडा भी, साथ साथ में समाज की बात भी। देखो मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और उस संसद में अगर मुझे बुलाया गया तो उस पद के नाते ही बुलाया गया, वरना तो वहाँ सामने हजारों लोग बैठे हुए थे, उन लोगों ने विजन क्यों नहीं रखा। मेरे को अगर विजन रखने का मौका दिया गया तो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते ही दिया गया। तो पार्टी का एजेंडा रखना, पार्टी का कार्यक्रम रखना और समाज के लिए हम क्या करेंगे ये बताना मेरा फर्ज बनता है। आप ब्राह्मण समाज के नेता के रूप में आपकी पहचान है, कई जगह मैंने सुना आपको संस्कृत और संस्कृति की बात, गाय की बात, हालांकि ये जो मुद्दे हैं ये सत्ता पक्ष के मुद्दे हैं, इनको लेकर के भी आप लोग ऑब्जेक्शन कुछ इस तरह का रहता है, कई जगह सुना है मैंने। देखो अपने आप को बहुत बड़ा गौभक्त बताते हैं, आप चारों तरफ पता कर लीजिए, लंबी इतनी बड़ी बीमारी आई थी, लंबी के अंदर इन्होंने आज तक कोई आपको रिसर्च में दवा मिली? विप्र फाउंडेशन ने लाखों गायों को ठीक किया जी। हम लोगों ने सूरत में दवा बनती थी हमारी और फ्री दवा बांटी हमने। सरकार बताए कि सरकार ने कौन सी वैक्सीन गौ माता के लिए आज तक लॉन्च की है लंबी की, या गौ माता के लिए कौन सा ऐसा अनुसंधान केंद्र बनाया है कि जो उन्होंने ये कह सके कि हमने गौ माता के लिए ये अनुसंधान केंद्र हमने, या कोई एक ऐसा बहुत बड़ा हॉस्पिटल कोई गौ माता के लिए बनाया हो, या अपने आप को गौ सेवक बताते हैं। बल्कि मुझे तो कोई व्यक्ति बता रहा था कि इनकी सरकार में गौ मांस का एक्सपोर्ट दुनिया भर में, यहां से जो गौ मांस जाता है विदेशों में वो बढ़ गया है। ये शर्म की बात है, ये लोग अपने आप को गौ भक्त बताते हैं और जहां जब ये नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो इनका जो हेमंत विश्वास शर्मा है या कोई और नेता है वो वहां जाकर के गौ मांस के प्रति वक्तव्य नहीं देता। गोवा में जाते हैं तो ये गौ मांस के प्रति वक्तव्य नहीं देते। इनका तो एजेंडा है समाज को समाज के रूप में, जहां इनकी जैसी जरूरत हो जैसी सहूलियत हो, अगर ये हरियाणा में रहेंगे तो इनको करना है जाट नॉन जाट, अगर ये यूपी में आएंगे तो जाट मुस्लिम, और ये और आगे चले जाएंगे तो हिंदू मुस्लिम, जो इनको सूट करती हो, जो इनकी राजनीति सत्ता लाती हो। अब मणिपुर में लड़की के साथ अत्याचार हुआ, प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ राजस्थान का बयान दे रहे हैं और वो भी 77 दिन बाद दे रहे हैं। भाई आप सरकार में बैठे हो, आप विपक्ष का रौला अदा कर रहे हो, मतलब कार्यवाही कौन करेगा? भगवान विष्णु उतर के आएंगे, अल्लाह उतर के आएगा, गॉड उतर के आएगा, प्रधानमंत्री सक्षम है, प्रधानमंत्री को यह बयान देने की अत्याचार सहन नहीं होगा, सहन नहीं होगा तो कार्यवाही बताओ ना। मुख्यमंत्री हटाया, कोई वहां एक्शन लिया, कोई वहां पे आपने 100-200-500 लोग पकड़े हो या उनके ऊपर कार्रवाई की हो? मतलब एक एफआईआर करने में तो सरकार, मतलब एक जिस गुंडे ने लड़कियों के साथ इतनी बदतमीजी की उस ओलंपिक एसोसिएशन के एफआईआर करने में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की इंतजार की, उसके बाद उसको तुरंत बेल दिलवा दी। मतलब आप कैसे महिलाओं को बचाओगे? बेटी सुरक्षा की बात करते हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की बात करते हो, बेटियों को सुरक्षा क्या दे रहे हो? इस समाज की ना कोई नीति है ना नियत है, एक ही नीति है केवल संस्कृति के नाम पे। इन्होंने बताइए ना आप क्या किया है, कोई संस्कृत विश्वविद्यालय बहुत बड़ा इन्होंने बनाया हो, कोई अनुसंधान केंद्र बनाया हो? हाँ बने हैं आरएसएस के कार्यालय, बने हैं बीजेपी के कार्यालय, संस्कृत के कोई टीचर भर्ती किए हो? हाँ बता दो, हुड्डा साहब ने हजारों संस्कृत टीचर भर्ती किए, इनके टाइम में अगर एक संस्कृत टीचर भर्ती हुआ हो तो बताओ? हाँ आरएसएस के स्कूलों में हो सकता है इन्होंने आचार्य भर्ती कर लिए हो, लेकिन आम जनता के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल इस सरकार को मैं 0/0 सरकार मानता हूँ। आखिरी सवाल है जितेंद्र जी,
देखो हर दल में, असल में तो मैं कह रहा हूँ भाई सारे एक से हो गए, दल 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 हो गए, गुट गुटम गुट हो गए। वो छोटा आधा सवाल था मेरा, अब पूरा कर रहा हूँ। आपकी ही पार्टी में रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, ये तीन चेहरे हैं जिनके बारे में ये बात बीजेपी बड़ी खुश है। बीजेपी को लगता है भाई इनकी जो फूट होगी उस फूट का बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा। आप लोगों की कोई तैयारी है? क्योंकि तूफान है, 2024 का तूफान है, और उस तूफान के आने से पहले आप लोगों ने अपने तंबू बांध लिए, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं आपके समाज की तरफ से। तो उस नाते आप लोगों की तैयारी है कुछ भाई? आप लोग संगठित हो पाओगे या फिर ऐसे ही चुनाव आएंगे चले जाएंगे, आप लोगों की तू में रह जाएगी? देखिए, जहाँ तक संगठित की बात है, मैंने आपको पहले भी बताया हमारे यहाँ कोई नेता नहीं है, केवल एक नेता है राहुल गांधी और खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं, और बाकी हम सब कार्यकर्ता हैं। जब समय आएगा पार्टी ने तय करना है कौन मुख्यमंत्री बनेगा। रही बात इसकी कि वो क्या कर रहे हैं, वो अपने एजेंडे पे, मतलब पार्टी का जो एजेंडा है वो जनता के बीच में अपने तरीके से ले जा रहे हैं। हुड्डा साहब अपने तरीके से ले जा रहे हैं क्योंकि वो नेता विपक्ष हैं और उदय भांजी पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो विपक्ष आपके समक्ष हमारे कार्यक्रम चल रहा है, जनता की कितनी भीड़ आ रही है आप देख रहे हो। भिवानी जैसी जिले के अंदर बारिश के बिल्कुल इतनी बारिश थी उस दिन कि मैं तक नहीं जा पाया उस रैली के अंदर। मैं गुड़गांव में इतना पानी, क्योंकि गुड़गांव तो आपको पता है, गुड़गांव के बारे में तो केवल पैसा लूटना इनका कार्य है। यहाँ पानी थोड़ी देर पानी बरस जाए तो गुड़गांव से आप निकल नहीं सकते, और सरकार की कोई नीति नहीं है, गुड़गांव छोड़ो पूरे हरियाणा के लिए कोई नीति नहीं है, केवल धक्यानुसी सरकार है। सवाल मेरा कुछ है, जवाब दूसरा। मैं आ रहा हूँ उसी बात पे। तो भिवानी में उस दिन मेरे को पता लगा कि नागल चौधरी और नारनौल से लेके भिवानी तक जाम ही जाम था। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से गुड़गांव से ही नहीं निकल पा रहा हूँ, वहां कैसे पहुंचूंगा। तो ये जनता का रुख है जो बता रहा है कि वो हुड्डा साहब के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी तरह से झुकाव है। ठीक है, सभी नेताओं को हक है, सपने लेने का मेरे को भी हक है, मैं भी सोच सकता हूँ मुख्यमंत्री बन जाऊं, लेकिन मुझे भी ये सोचना चाहिए कि क्या मैं पार्टी को विजय दिला सकता हूँ। हुड्डा साहब आज एक ऐसे एकमात्र नेता हैं जो 36 बरादरी में एक्सेप्टेबल हैं, 36 बरादरी उनको चाहती है। वो क्यों चाहती है? मैं भी एक कार्यकर्ता था कांग्रेस का, जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने उन्होंने मेरे से कहा कि आप सोहना के कार्यकर्ता हो। मैं जब गया मिलने उनसे फर्स्ट टाइम बनने के बाद, सोहना में कोई विकास कार्य होगा आपने देखना है, क्योंकि विपक्ष के समय में आपने कार्य किया है, वो 10 साल उन्होंने निभाया। तो एक कार्यकर्ता के नाते मेरी भावना है ना, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, इन्हीं लोगों में से कोई मंत्री भी था, मैंने अपने सोना के लिए उनसे विकास कार्यों के लिए पैसा मांगा, नहीं दिया कोई बात नहीं, नहीं दिया, लेकिन मैंने वही काम मुख्यमंत्री जी को बोला, उन्होंने 5 मिनट के अंदर एक मेरे कार्यकर्ता की बात सुन के वो काम कर दिया। तो हुड्डा साहब खाली ऐसे पॉपुलर नहीं हुए, लोग कह देते हैं, लोगों को हलवा जो है बना हुआ दिखता है, लेकिन वो बेसन कहाँ से आया, वो घी कैसे पड़ा, और वो बन के खाने वाले को चटकारे लेने आ सकते हैं। आज हलवा तो तैयार हुड्डा साहब की मेहनत ने कर दिया है, अब उसके मजे लेने के लिए कितने लोग आना चाहते हैं उसके कोई रोक टोक नहीं है। सपने लेने का अधिकार सबको है, बाकी जनता तय करेगी, MLA तय करेंगे, हाई कमांड तय करेगी कि कौन CM बनेगा, ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन सभी लोग सोचें कि जब पार्टी मुसीबत में थी क्या पार्टी उनके बूथों पर से जीती, उनके गांवों में से जीती? मैं तो ये मानता हूं कि पहले तो मैं तय करूं मेरे सोना में से पार्टी जीती हो, तो मेरा पार्टी से कुछ मांगने का हक है। जितेंद्र जी, आप एक देखो ब्राह्मण समाज से आते हो, तो कई बार नहीं बोले ब्राह्मण भविष्यवाणी कर रहे, तो 24 के चुनाव ऊपर है, सर पे नजदीक है, तो आपकी अंतरात्मा कहते ना भी एक अंतरात्मा से क्या मतलब, आप कुछ ऐसा दावा कर सकते हैं 24 में क्या होगा? अंतरात्मा से कुछ आ रहा है? क्योंकि अंतरात्मा को पता होता है, तो ब्राह्मण की भविष्यवाणी मैं पूछना चाह रहा हूँ भाई, आपको आपका मन दिल दिमाग क्या करे? देखो, मैं तो जनता की अंतरात्मा पढ़ पा रहा हूँ। ब्राह्मण के पास बुद्धि होती है, विवेक होता है समझने का, तजुर्बा है तो सबके पास, लेकिन क्योंकि समाज में सबके कार्य बांटे हुए हैं, सबके कार्य बांटे हुए हैं, तो हमारे कोई ऑब्जर्वेशन का कार्य समाज ने दिया था, तो मेरी तो ऑब्जर्वेशन ये है कि जनता मन बना चुकी है और जनता ने तय कर लिया है कि कांग्रेस को लाना है। कर्नाटक में भी ये डिसीजन हुआ, हिमाचल में भी ये डिसीजन हुआ, गुजरात साथ मोदी जी की इज्जत, क्योंकि वहां से प्रधानमंत्री आते हैं, उन्होंने जनता ने रख ली, और आने वाले 3 राज्यों में भी जो चुनाव है उनमें भी, और तेलंगाना समेत 4 हैं, उनमें भी आपको पता लग जाएगा कि जनता मन बना चुकी है कांग्रेस को। चलो, जितेंद्र भारद्वाज जी से मैंने बात करी, अब इन्होंने आखिर में एक बात कही है, उसको मैं तारे ऊपर सवाल के रूप में छोड़कर जाऊं, कमेंट करके दर्शकों को बताइयो भाई, कांग्रेस को हरियाणा में लेना है या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेना है? क्योंकि कांग्रेस के 2 स्वरूप आपने नजर आओगे, एक कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा गुट और दूसरा उसके विरोधी खेमे कांग्रेस के, तो यह चीज देखने वाली रहेगी
भाई हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा है या कांग्रेस है, हालांकि पार्टी तो है ही एक, लेकिन ये है थोड़ा कंफ्यूजन वाला मामला। नहीं ऐसा नहीं है, आप बना रहे हो, हम सब एक हैं, हम मिलजुल करके कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। जी जी, चलो सब... तो अब तो आप लोग ये बोलने लगे भाई कांग्रेस आ रही है। नहीं, पहले तो क्लियर कट, जो हुड्डा गुट के जो लोग हैं वो सीधा नुकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे हैं। नहीं नहीं, वो अब ऊपर से निर्देश है, वो कार्यकर्ता का प्यार है, उसको आप आज भी दरकिनार नहीं कर सकते, आगे भी नहीं कर सकते। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी ये तय है, और नेता कौन तय होगा ये एमएलए और हाईकमांड मिलकर तय करते हैं। चलो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, एमएलए तय करेंगे तो एमएलए किसके दो रहे हो, तो हमने भेजा है, कमेंट कर दियो। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं हूं तारा देसी, पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।